विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एजुकेशन के शोधकर्ताओं ने पिछले महीने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत में सर्पदंश को लेकर रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि भारत में साल में कम से कम 50,000 और अधिकतम 1,25,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। ये आंकड़ा सर्पदंश से विश्व में होने वाली कुल मौतों का आधे से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सर्पदंश से पूरी दुनिया में होने वाली मौतों की संख्या 81,000 से 1,38,000 के बीच होती है। WHO ने इसे 2017 में उपेक्षित बीमारियों की सूची में शामिल किया था और 2030 तक सर्पदंश में कमी लाने के लिए इस दिशा में विशेष अभियान शुरू करने की पहल की थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 300 किस्म के सांप हैं, जिनमें से कम 60 प्रजातियां जहरीली हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ टोरंटो के निदेशक प्रभात झा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सांप के काटे जाने से होने वाली सभी मौतें और मामले रिपोर्ट नहीं होते हैं। जहां उपचार की सुविधा होती है वहां रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। बहुत सारे मामलों में उपचार नहीं मिलता। उनकी संस्थान की ओर से किए गए सर्वे में 2011 में भारत में सर्पदंश से 45,900 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जबकि पिछले साल सर्पदंश से होने वाली मौतों का आंकड़ा 52,000 बताया गया।